पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने मंगलवार को भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग सत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपना लक्ष्य तय करके अपनी भूमिका को जानकारी में रखें। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में हूं सिर्फ इतना काफी नहीं है, ये भी देखना होगा कि मेरे अंदर भाजपा है या नहीं। मुरादाबाद पहुंचे सुनील बंसल ने पहले बुद्धि विहार स्थित भाजपा के कार्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ कुछ कमियां मिलने पर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इसके बाद वो लाजपत नगर रामलीला मैदान पहुंचे और भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग सत्र का उद्घाटन किया। यहाँ सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, जीत का श्रेय सब ले लेते हैं। हमें ये तय करना होगा कि हम भाजपा में काम करते हैं, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, पार्टी के प्रति निष्ठा है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि काम के बदले में कुछ पाने की लालसा करना सच्चा समर्पण नहीं है। समर्पण वो है कि हमें कुछ मिले या नहीं, हमें पार्टी के लिए काम करना है। कार्यक्रम में भाजपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अश्विनी त्यागी, नवाब सिंह नागर, गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, किशन लाल सिक्का, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, गिरीश भंडूला, अंजु लोचप के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के आज चर्चा होती है, 2017 से पूर्व जो सपा बसपा का शासन उत्तर प्रदेश में रहा है, थाने गुंडों द्वारा संचालित होते थे। सपा बसपा के दागी नेता थानों में बैठ करके दलाली करते थे। जो वातावरण आज 2017 के बाद निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है, शानदार कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि पूरे देश के उद्योग और व्यापारी आज उत्तर प्रदेश की तरफ ये प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश में उनके उद्योग धंधे लगें। आज उत्तर प्रदेश का आम जन और व्यापारी, चाहे वो किसान हो, चाहे शहरी क्षेत्र में रहने वालों, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी शानदार कानून व्यवस्था है। और जिन दो घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण संभल की घटना हुई, तुरंत उसमें जो हमने फरार हुए थे, तुरंत एक दिन बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई भी की है। और चित्रकूट की घटना जो लंबे अरसे से चली आ रही थी, जिसमें पूर्व की सरकारें दोषी थी, मुझे लगता है आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में चर्चा होती है। सर, पूरा जो सिस्टम है, जो संभल की घटना का है, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके का मानते हैं कि अभी अभी सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, जिस तरीके से कैदी उस पूरी गाड़ी को जो भी पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया गया है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अभी सुधार की ज़रूरत है या फेल्यूअर है ये? ऐसा जो भी घटनाक्रम हो उसकी जांच भी जारी है, लेकिन जो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात है, जो अपराधी डरे हैं, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले एक समाचार पत्रों में बड़ी खबर छपी है सहारनपुर से, एक इनामी बदमाश थाने में जाता है और थानेदार से कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ये वातावरण जो बना है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जिसका कानून व्यवस्था पर फोकस है, उसी का परिणाम है कि आज अपराधी डरे हुए हैं और कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। सर, दूसरा एक समाजवादी पार्टी का जो सांसद है आजम खान साहब, उनकी पत्नी कह रही है कि बायपोल को लेके बीजेपी जो है ये पूरा टारगेटेड कर रही है, उनके ऊपर फोकस कर रही है और तरह तरह से उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसा तो राजस्व रिपोर्ट की परिणाम है जो उन्हें सामना करना पड़ रहा है उनका। इसी के साथ प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, बहुत सारे विपक्ष मतलब इसके सवाल खड़ा किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लेकर जो है ऐसा लोकसभा में सरकार ने इस पर संदेश भी दिया है कि हमारा क्या उस पर लाइन ऑफ एक्शन है। और उसके बाद अमेरिका का जो अधिकृत विदेश मंत्रालय, उसने भी स्पष्टीकरण दिया है कि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये भारत पाकिस्तान के बीच का आपसी मामला है, दोनों सुलझाएंगे। स्पष्टीकरण अमेरिका की तरफ से भी आया है और हमारी सरकार ने इसका खंडन भी किया है। राशिद अलवी कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत की बेइज्जती होगी। राशिद अलवी जो है वो नेता है जो अमरोहा से कांग्रेस का टिकट छोड़कर भाग गए थे, जब उन्हें बेइज्जती नजर नहीं आती। जिन लोगों को इस देश की जनता ने हाशिए पर पहुंचा दिया, वो इज्जत और बेइज्जती की बात करते हैं।